ये बात तो आप सब भी जानते हैं कि पिछले दिनों सबके ऊपर राम नाम का खुमार चढ़ा हुआ था। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबने अपने ढंग से राम लला का स्वागत किया। अयोध्या में सोमवार 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस पवित्र अवसर पर देश भर की बड़ी हस्तियां इस योजना का हिस्सा बनी हैं। राजनीति और कला से लेकर खेल जगत के चर्चित नाम यहां मौजूद रहे, लेकिन आखिर भारतीय जर्सी में क्यों पहुंच गए अयोध्या विराट कोहली? इस समय सोशल मीडिया पर ऐसे ही कुछ सवालों की बारिश हो रही है। सभी सवालों का कारण है एक वायरल वीडियो। आखिर कैसे एक वायरल वीडियो से अयोध्या में ट्रेंड हो गए विराट कोहली? इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी रोचक वीडियो आपसे मिस न हो। दरअसल टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को भी इसके लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन वह किस कारणवश प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आ पाए। हालांकि उनके डुप्लीकेट ने अयोध्या में जरूर सबका ध्यान खींचा। दोस्तों, आपको बता दे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक एक शख्स टीम इंडिया की जर्सी में अयोध्या की सड़क पर निकल पड़ा। यह शख्स काफी हद तक विराट कोहली से मिल रहा था। इसकी जर्सी पर भी विराट लिखा हुआ था। बस सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए इतना काफी था। फिर क्या, यंगस्टर्स ने इस शख्स को घेर लिया और खूब सेल्फी ली। इस दौरान विराट के डुप्लीकेट ने भी विराट जैसा एटीट्यूड बनाया रखा। वह सभी विराट फैंस को सेल्फी देते हुए भी नजर आए। लोगों ने बहुत देर तक विराट के डुप्लीकेट का पीछा नहीं छोड़ा। जैसे जैसे विराट का डुप्लीकेट आगे बढ़ते हैं तो प्रशंसक भी उनके पीछे पीछे मोबाइल लेकर दौड़ते रहते हैं। पूरा घटना से जुड़ा हुआ यह मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खैर, अब अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली किसी कारण से अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा नहीं बन पाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 मैचों से भी अपना नाम वापस ले लिया है, जिसका मतलब है कि विराट कोहली 25 जनवरी से शुरू होने वाले हैदराबाद टेस्ट में नजर नहीं आएंगे। अगले टेस्ट मुकाबले में भी वह गैर मौजूद रहेंगे। विराट कोहली ने निजीकरण के चलते उन्हें बीसीसीआई से ब्रेक मांगा था, जो उन्हें मिल गया है। बीसीसीआई ने खुद इस बात की जानकारी दी है। टीम इंडिया ने अब तक उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। ये पहला मौका नहीं था जब विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मैचों से अपना नाम वापस ले लिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे। वीडियो में कमेंट कर बताए कि मैचों से अपना नाम वापस लेकर विराट ने सही किया या गलत। कमेंट जरूर करें।